सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। में तो आप सब लोग अच्छे हो गए। यहाँ पे हमारे पास है भाई बजाज की पल्सर N150 और भाई साहब लुक्स वाइज आप देख सकते हो भाई डिट्टो N160 जैसी दिखती है। और अभी हम लोग करने वाले इसका डिटेल रिव्यू, और आपको पहले एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ इसका रिव्यू और आप लोगों को बताता हूँ कि भाई बाइक में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। इससे पहले जो बाइक आती थी भाई वो आती थी बजाज की पल्सर P150, और P150 और N150 में क्या अंतर, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या क्या चीज़ें आपको इसमें अलग मिलती हैं P150 से। ठीक है, तो आइए मैं एक बार पहले दिखा देता हूँ। तो भाई पहली चीज़ जो अलग दिखती है P150 से वो है भाई इसका ये, ठीक है, ये गार्ड इसमें नया ऐड ऑन हुआ है। उसके बाद भाई ये एक चीज़ नई ऐड ऑन हुई है, तो ऐसा कुछ सीन था। आइए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। सो गाइस, बात करें इसके फ्रंट की लुक की, तो आप फ्रंट का लुक ऐसे देख सकते हो। यहाँ पे आपको LED आपको पार्किंग लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, बाकी यहाँ पे जो आपको लाइट मिलती है वो भाई आपको प्रोजेक्टर मिलती है देखने को। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल चैनल ABS के साथ आती है बाइक। और बात करें भाई इसके डिज़ाइन की, तो आप ये वाला ब्लैक कलर आप देख रहे हो इसमें। बाकी मैंने कल शॉट डाला था, उसमें आप लोगों को दो कलर और दिखाए थे, वाइट और रेड, तो ये तीन कलर भाई इसमें आता है। ठीक है, बाकी N50 की यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे N150 की बैजिंग देखने को मिल रही है। मिडिल स्टैंड आपको इसमें देखने को मिलता है। एक जो इसमें चेंज ये है P150 से कि भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो सारी गार्ड दे दिया है, और उसके बाद लेडीज़ के लिए फुटरेस्ट दे दिया है। ठीक है, पिलियन के लिए ऐसा कुछ फुटरेस्ट देखने को मिलता है, एलुमिनियम फुटरेस्ट है, तो इसमें भाई रबड़ नहीं है। और इसका जो साउंड आ रहा है बंद करने पे वो काफ़ी सही आ रहा है। तो क्वालिटी यार देखी जाए तो बजाज ने टॉप नॉच रखी है इस बार। बाकी E20 वाली बाइक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी यहाँ से आप इसको अपना फ़ोन चार्ज में लगा सकते हो यहाँ से। और ऐसा कुछ इसमें आपको डिजिटल कंसोल देखने को मिलेगा, सेमी डिजिटल कंसोल कह सकते हैं इसको एक तरीके से। साइड स्टैंड मिलता है, बैटरी मिलती है, इंजन चेक लाइट मिलती है, मतलब जो N160 में मीटर आता था वो सेम यहाँ उठा के दे दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रियल टाइम एवरेज सबको शो कर रहा है, गियर शो करेगा आपको इस बाइक में। यहाँ पे भाई इल्यूमिनेटेड स्विच शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रात में ये सब लाइटें जलती हुई मिलेंगी। पल्सर की यहाँ बैजिंग देखने को मिल जाती है। बाकी भाई फ्रंट का लुक कुछ ऐसा मिलता है, जो इंडिकेटर्स है ना, इंडिकेटर्स आपको नॉर्मल मिलते हैं, ये वाले इंडिकेटर्स मिलते हैं। तो नो डाउट यार ठीक है, जिस प्राइस सेगमेंट में यार ये एक शोरूम की बात करें तो 1,18,000 एक शोरूम पड़ रही है। ऑन रोड लखनऊ की बात करें तो भाई 1,37,000 कुछ समथिंग ऐसे पड़ रही है। ठीक है, तो एक शोरूम का आप ध्यान दीजिए भाई, हर सिटी का अलग अलग ऑन रोड होता है, तो उसके ऊपर मत ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी यहाँ से अगर हम लोग इस साइड फेस से बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई साहब, यहाँ पर ऐसा कुछ आपको स्टिकर देखने को मिलता है, और पल्सर की ब्रांडिंग यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। सिंगल सिलेंडर इंजन है भाई साहब, और जो पावर प्रोड्यूस करता है ये 14 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है, 13 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और गाइज इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 149 cc का आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। एक चीज़ मेरे को जो इसमें सबसे बढ़िया लगी इस बाइक में भाई, आप यहाँ पे देख सकते हो इंजन काउल आपको देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी है। बाकी यहाँ पे आपको ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, जो कि अभी कंपनी बजाज ने ऐसा कुछ शो नहीं किया है किस कंपनी के। और यहाँ पे एंडोरेंस के ब्रेक हैं। ठीक है, कैलिपर तो जो इसका पिस्टन है ये तो भाई साहब एंडोरेंस का, बाकी देखा जाए तो हो सकता है भाई वो ये भी कैलिपर भी उसी का हो एंडोरेंस का। और ब्रेक का साइज़ है भाई 240 फ्रंट में, 240 mm, और रियर में भाई आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है किसी भी इसमें, किसी भी आप चाहे इसका टॉप ले लीजिए, चाहे ठीक है बेस वाला भी ले लीजिए। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो एक फुल सीट मिलती है आपको, जो कि सीट की जो कुशनिंग है ना वो काफ़ी सही है। ये बाइक बनी है भाई साहब, देखिए जो पावर है, जो इसमें फील है ना, एक तरीके से देखा जाए तो कम्यूट करने के लिए, डेली कम्यूट करने के लिए बाइक बनी है। उसी हिसाब से इसका जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा ऐसे किया गया है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे गैब्रेल्स आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई साहब ऐसी कुछ आपको लाइट मिलती है, जो क्रिस्टल LED जो बजाज ने निकाली थी वही वाली LED आपको मिलती है यहाँ पे, हगर मिल जाता है। टायर्स की बात करें भाई साहब, तो टायर्स इसमें आपको MRF के टायर्स मिलते हैं। और टायर साइज़ की अगर हम लोग बात करें तो भाई टायर साइज़ इसमें आपको मिलता है 120/80/17, तो भाई पीछे काफ़ी सही सेगमेंट, काफ़ी चौड़ा टायर लगा के दे रही है कंपनी, 120 सेगमेंट उसका। ठीक है, और फ्रंट की हम लोग बात करें भाई, फ्रंट में 90/90/17 का आपको टायर मिल जाता है। और बात करें भाई सस्पेंशन की, तो पीछे आपको एक मोनोशॉक्स मिलता है जो कि एडजस्टेबल है। ठीक है, और फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिलते हैं, तो थोड़ा सा यार ये जो है ना ये रॉड थोड़ी सी पतली मेरे को लग रही है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनी। ठीक है, बाकी ऐसी कुछ बाइक है, तो इसको अभी चलाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या इसका परफॉर्मेंस रहने वाला है। अभी नॉर्मली दिखा देते हैं आप लोगों को कैसी चलने में। ठीक है, सो गाइज अभी हम लोग हैं फर्स्ट गियर में, बताइए तो मैं इसी वीडियो में फर्स्ट गियर दिखा दूँ क्या आप लोगों को। तो भाई साहब देखा जाए ना, तो पिकअप की बात करें तो बाइक में यार पिकअप तो है,
और देखते हैं क्या सीन रहता है। वैसे अभी थोड़ी देर तक चलाते हैं और फिर इसका देखते हैं क्या सीन रहता है। अभी वाइब्रेशंस की अगर हम लोग बात करें भाई ना, देखो मैं चल रहा हूँ इस समय 8000 RPM पे और मेरे को जीरो वाइब्रेशंस अभी तक फील हो रही है, ना हैंडल बार पे वाइब्रेशंस फील हो रही है, ना फुटस्टेप पे वाइब्रेशन फील हो रही है। तो नो डाउट यार बाइक काफ़ी सही है। बाकी देखा जाए तो इस मिरर पे भी वाइब्रेशंस कोई खास फील नहीं हो रही है, ठीक है। बाकी इसको थोड़ा और चलाया जाए तभी पता चल सकता है क्या सीन है। भाई साहब देखो कोई इशू नहीं है बाइक में, नो डाउट यार बाइक काफ़ी अच्छी बनाई है। जो इनका राइडिंग पोस्चर है ना वो काफ़ी बढ़िया बना के दिया है यार कंपनी ने, मतलब जो अपराइट किया है इन लोगों ने। अगर आपको डेली कम्यूट करना है सिटी में तो उसके लिए बेस्ट बाइक रहेगी अगर देखा जाए तो। और यहाँ पे जो आपको लाइट मिलती है ना इसके अंदर वो येलो लाइट मिलती है, तो थोड़ी सी वहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी है कंपनी ने। अगर हम लोग बात करें भाई P150 से, तो P150 से मेरे को बाइक ज़्यादा रिफाइन लग रही है और ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। BS6 फेज 2 के साथ आ रही है। हालांकि बाइक चलाने में बहुत मस्त है, ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत है बाइक में, चलाने में बहुत मस्त है भाई। और बजाज यार पता नहीं क्या करना चाह रहा है, पहले P150 निकालता है फिर N150 निकालता है, और कुछ टाइम में और भी बाइकें आने वाली हैं बजाज कंपनी की तरफ से। तो नो डाउट यार काफ़ी मज़ा आने वाला है, मार्केट में तहलका मचाने की कोशिश कर रही है बजाज। तो 5 गियर आपको मिलते हैं भाई, वो भी गियर इंडिकेटर के साथ है बाइक, तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहती है राइडर के लिए कि वो जब राइड पे राइड कर रहा हो और 5वें गियर पे चल रहा है, उसके बाद फिर भाई बंदा देखना पड़ता है उसको कि हाँ भाई मैं 5वें पे हूँ, तो ये चीज़ सही रहती है भाई, उसको पता रहता है कि हाँ मैं 5वें गियर पे हूँ। बाकी यहाँ पे टाइम शो कर रहा है, फिर उसके बाद एवरेज शो कर रहा है, यहाँ से आप इनको एक्सेस कर सकते हो इन सभी चीज़ों को, ठीक है। और स्विचेस की क्वालिटी की बात करें, हॉर्न की क्वालिटी की बात करें तो बहुत सही है भाई, लाइट वाइट सब चकास है, ठीक है। यहाँ पे भाई वो जो स्विच आता था N160 में वो इसमें नहीं आता है, सो वो चीज़ एक हटा दी है। कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करेगी यार कंपनी, और देखा जाए तो यार काफ़ी सही डिसीज़न है इसका। और जिस प्राइस रेंज में आ रही ना, एक शोरूम की बात करूँ 1,18,000 जो प्राइस रेंज है इनका भाई, उस हिसाब से बाइक यार नो डाउट बहुत सही है, ठीक है आप देख सकते हो। और जो इंजन नोट है इसका, इंजन नोट भी काफ़ी सही आ रहा है गाइस। और एक चीज़ जो मैंने अभी रिसेंटली अभी नीचे देखा भाई, इसमें आपको किक ऑफर कर रही कंपनी, जहां कंपनियां अपने बाइक से किक हटा रही हैं वहीं पे ये बजाज की पल्सर N150 आपको किक ऑफर कर रही है। तो ये कुछ चीज़ें मेरे को इस बाइक में अच्छी लगी हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ था भाई इसका डिटेल रिव्यू, एक बार मैं फिर आपको दिखाता हूँ। साइड स्टैंड किल स्विच भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये जो चीज़ आप देख रहे हो, तो भाई किक मिल रही है और आज के समय में कोई भी कंपनी ऐसा किक नहीं देती है। सो गाइस ऐसे हैं कुछ इसके तीनों कलर्स, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये वाइट कलर है और उसके बाद ये वाला जो है रेड कलर है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैक वाला मैं सही बताऊँ तो ब्लैक और वाइट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ आप हो सकते हो, क्योंकि जो वाइट कलर है ना यार थोड़ा वो ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक, लेकिन जिसको भाई ब्लैक का चश्मा है वो तो ब्लैक ही लेगा। रेड वाला यार इतना मेरे को कोई खास नहीं लगता है कलर, लेकिन नो डाउट बाइक पे अच्छा लग रहा है। सो गाइस ऐसा कुछ था इसका डिटेल रिव्यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे आपसे फिर नई वीडियो में, टिल देन बाय। बाकी ओवरऑल देखी जाए तो बाइक यार बहुत बेहतरीन बजाज ने बनाई है, मतलब विश्वास नहीं हो रहा बजाज इतना अच्छा काम करा भाई, मतलब जीरो वाइब्रेशन है भाई। अभी मैंने चला के भी देखा और आप लोगों ने जैसे देखा कि भाई तीनों कलर्स भाई अल्टीमेट दिख रहे हैं। अगर परचेज़ करना है तो भाई आप व्हाइट वाले के ऊपर जाइए, व्हाइट वाला मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा और एक ब्लैक वाला, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर नए वीडियो में, टिल देन बाय।